तो गाइस देखो, आज का वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है न्यू ओरियन कैरेक्टर के ऊपर। ये वीडियो में आपको फुल क्लैरिटी के साथ एंड में पता लग जाएगा क्या आपको ये कैरेक्टर लेना चाहिए या फिर नहीं, ओरियन कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है, ये क्या क्या कर सकता है एंड आपको इसको यूज कैसे करना है। एंड वीडियो के एंड में एक ऐसा कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा जो कि ओरियन के एबिलिटी को और ज्यादा खतरनाक बना देगा अगर आप ओरियन के साथ वो कैरेक्टर को यूज करोगे। सो आप लोग यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में अगर नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम Let's get started. So, सबसे पहले देखते हैं ये ओरियन कैरेक्टर का स्किल क्या है एंड इसको यूज कैसे करना है। देखो, ओरियन कैरेक्टर एक एक्टिव कैरेक्टर है लाइक उकोंग, क्रोनो एंड होमर। इसका स्किल को यूज करने से ये एक बड़ा सा आग का गोला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे उकोंग से आप झाड़ी बनते हो, ठीक वैसे आप उकोंग के जैसा इसके अंदर रहते हुए भी मूवमेंट कर सकते हो एंड इस गोले के अंदर आप जब तक रहोगे आपके ऊपर किसी भी तरीके का डैमेज नहीं पड़ सकता। चाहे आपके ऊपर कोई गोली चलाए या फिर 10-15 नेड भी फेंक दे, आपका कुछ भी नहीं होगा। एंड इसका एक चमत्कार एबिलिटी भी है, ये कैरेक्टर एनिमी का एचपी को खींचकर अपने अंदर डाल सकता है जैसे कि आप देख रहे हो। एंड अभी बात करते हैं ये कैरेक्टर काम कैसे करता है। देखो, ओरियन का एबिलिटी को यूज करने के लिए आपके पास ईपी होनी चाहिए। कितना ईपी? मिनिमम आपके पास 150 ईपी होनी चाहिए ओरियन का स्किल को एक बार यूज करने के लिए। ये कैरेक्टर ईपी से पावर लेता है एंड अपना स्किल को चलाता है। एंड एक और बात, आप इसको उकोंग के तरह बार बार यूज कर सकते हो एक ट्रिक को यूज करके जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हो गया बेसिक चीज ओरियन कैरेक्टर क्या है एंड इसका स्किल क्या है। एंड अभी देखते हैं ये कितना पावरफुल हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हो। सबसे पहले इसका एडवांटेज की बात कर लेते हैं। नंबर वन एडवांटेज, ओरियन कैरेक्टर आपको 30 एचपी देता है एंड साथ साथ एनिमी का 30 एचपी को खा भी देता है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। देखो, अगर आप ओरियन का स्किल को यूज करके एनिमी के 5 मीटर डिस्टेंस के अंदर हो, देन ए कैरेक्टर एनिमी के बॉडी से 30 एचपी खींच लेगा अपने अंदर एंड अपना एचपी को बढ़ा लेगा, बट एनिमी का 30 एचपी खाली कर देगा। नंबर टू एडवांटेज, डिफेंस फ्रॉम ग्रेनेड, ये आपको हर किसी सिचुएशन में ग्रेनेड से बचा सकता है। अभी आप लोग ये बोलोगे, शक्ति भाई इसमें बड़ी बात क्या है, क्रोनो एंड स्टेफी सालों से ये काम कर रहे हैं। बट रुको जरा, देखो क्रोनो एंड स्टेफी को यूज करने से आपको एक ही जगह में खड़ा रहना पड़ता है स्किल को यूज करने पर एंड उसके साथ साथ क्रोनो के शील्ड के अंदर अगर गलती से भी ग्रेनेड चला गया तो क्रोनो मरना पक्का है। बट ओरियन कैरेक्टर इन सभी चीजों में आगे है। आप ओरियन कैरेक्टर का स्किल को यूज करके नेड से बचने के साथ साथ वहां से 9-2-11 भी हो सकते हो, क्योंकि उकोंग के जैसा ये चल भी सकता है, मतलब एक कैरेक्टर चलता फिरता क्रोनो है समझो। नंबर थ्री एडवांटेज, डिफेंस फ्रॉम बुलेट्स, आप जब ओरियन के स्किल में ट्रांसफॉर्म होंगे आपके ऊपर किसी भी तरीके का गोली का असर नहीं पड़ेगा। एनिमी चाहे जितना भी गोली मारे, उकोंग के झाड़ी के जैसा ये फूटेगा नहीं एंड आपके ऊपर डैमेज भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना खतरनाक। नंबर फोर एडवांटेज, डिफेंस फ्रॉम फॉल डैमेज, आप अगर इसका स्किल को यूज करके कोई हाइट प्लेयर से कूदोगे तो भी आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। नंबर फाइव एडवांटेज, डिफेंस फ्रॉम व्हीकल अटैक, देखो कभी कभार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं चल पाता एनिमी गाड़ी लेकर हमारे पीछे पड़ जाता है, बट अगर आप ओरियन का स्किल को यूज करोगे तो गाड़ी भी आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाएगा, मतलब एक कैरेक्टर एक तरीके से अमर है समझो। आप जिस तरीके से भी इसको मारने का ट्राई करो, जब तक ये अपना स्किल के अंदर है इसको मारना इम्पॉसिबल है। ओके, नंबर सिक्स एडवांटेज, नो फुटस्टेप्स, आप अगर ओरियन का स्किल को यूज करके बंदों के ऊपर छुप कर रस करते हो देन आपका फुटस्टेप का साउंड भी एनिमी को नहीं सुनाई देगा। लास्ट एंड नंबर एट एडवांटेज, नो कूलडाउन टाइम, इस कैरेक्टर का कूलडाउन टाइम 3 सेकंड है जो कि एकदम नहीं है समझो। अगर आपके पास सफिशिएंट ईपी है देन आप इसको बिना कूलडाउन टाइम के अनलिमिटेड टाइम कितनी बार भी चाहे यूज कर सकते हो। एंड अभी सवाल ये आता है, ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है, ये तो सभी कैरेक्टर को आराम से मार देगा, ये तो बहुत ज्यादा ओवर पावर हो गया ना, ऐसे तो कोई भी बंदा इसके सामने खेल ही नहीं पाएगा। बट रुको जरा, सब्र करो, सिर्फ एडवांटेज सुनकर इसको बेस्ट कैरेक्टर सोचने का गलती मत करो, क्योंकि असल में सच्चाई कुछ अलग है। आपको सभी बंदे सिर्फ इसका एडवांटेज बताकर पागल बना रहे हैं, इसका डिसएडवांटेज खामियां कहीं ज्यादा है इसकी खासियत से। ओरियन कैरेक्टर का सबसे पहला डिसएडवांटेज है उसका यूज टाइम। ये जो कारनामा ये दिखाता है जैसे कि कोई भी तरीके का डैमेज इसके ऊपर नहीं पड़ता है, ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए काम करता है। सही सुना आपने, 3 सेकंड। इसका स्किल जो है शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, दिखा रहा हूँ यार, देख लो। इतनी सी टाइम के अंदर बंदा आपको 2 ग्रेनेड करके आराम से मार देगा। कम से कम यार स्किल का ड्यूरेशन 5 सेकंड तो कर देते यार, क्या फायदा इसे स्किल की जो कि पलक झपकते ही खत्म हो जाए। नंबर टू डिसएडवांटेज, इसके स्किल के अंदर रहते टाइम आप गोली नहीं चला सकते। ये कैसा दोगलापन है यार, आपको फायर करने के लिए आइदर 3 सेकंड वेट करना पड़ेगा, जब भी इसका स्किल खत्म होगा तब भी आप गोली चला सकते हो, या फिर
अगर आप गोली चलाना चाहते हो देन इसका स्किल को पहले आपको ऑफ करना पड़ेगा, तब भी जाकर आप फायर कर सकते हो। मतलब एक तो 3 सेकंड के लिए ही एबिलिटी काम करेगा, उसके ऊपर से अंदर रहते हुए वुकोंग जैसा गोली भी नहीं चला सकते, आपका फायर बटन ब्लॉक रहेगा, आप गोली चला ही नहीं सकते। नंबर 3 डिसएडवांटेज, आप स्किल के अंदर रहते हुए मेडकिट भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एनिमी से बच सकते हो। देखो ये चीज अभी तक तो नहीं है, क्या पता फ्यूचर अपडेट में ये चीज डाल दे तो अच्छा रहेगा। मतलब कम ऑन यार, एक तो 3 सेकंड के लिए स्किल काम करेगा, उसके ऊपर से अंदर रहकर मेडकिट भी नहीं मार सकते। नंबर 4 डिसएडवांटेज, ग्लू वॉल एंड ग्रेनेड, आप ओरियन के स्किल के अंदर रहते हुए ग्लू वॉल नहीं लगा सकते, ग्रेनेड भी नहीं फेंक सकते। मतलब फायर बटन काम करेगा तभी ना ये सब कर पाओगे, क्या अभी तुम लोग ये कैरेक्टर को बेस बोलोगे। नंबर 5 डिसएडवांटेज, बिना ईपी के कैरेक्टर यूजलेस है। देखो आप मानो या फिर ना मानो, इस कैरेक्टर का टोटल फंक्शन ईपी से ही होता है। अगर आपके पास कम से कम 150 ईपी होगा देन जाकर आप इसका स्किल को 3 सेकंड के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ओके, नंबर 6 डिसएडवांटेज, इसको आपको इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको फालतू में अपना मेन कॉम्बिनेशन में कैरेक्टर को हटाकर मिगुएल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि एक किल करने पर आपको 200 ईपी देता है। हाँ, इसी जुगाड़ का यूज करके आप वुकोंग के जैसा लगातार इसका एबिलिटी को यूज कर पाओगे। एक किल करने पर आपको 200 ईपी मिल जाएगा, देन उस ईपी का यूज करके आप फिर से ओरियन का स्किल को यूज कर सकते हो, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इंडिपेंडेंट बनो यार, मतलब तुम्हारा स्किल को 3 सेकंड के लिए यूज करने के लिए हमें एक और कैरेक्टर फालतू में तुम्हारे लिए लगाना पड़ेगा। अरे वुकोंग को देखो, खुद के दम पर सारा कुछ कर पाता है। इसका एचपी खींचने वाला जो स्किल है वो भी यूजलेस है अगर तुम एनिमी के बिल्कुल पास नहीं हो। एंड अगर आप ये सोच रहे हो इसका स्किल को दूर से यूज करके एनिमी के पास चला जाऊंगा एंड उसका खून चूस लूंगा, सैडली वो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 सेकंड के अंदर आप कितनी दूर पहुंच जाओगे, चांद तक बताओ। ओके, अभी बात करते हैं कंक्लूजन की। क्या ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है? नहीं। क्या ये कैरेक्टर सभी कैरेक्टर्स के ऊपर भारी पड़ सकता है? नहीं। क्या इसको लेकर खेलने से न्यू गर्लफ्रेंड इम्प्रेस होकर पड़ जाएगी? नहीं। मजाक के बाद साइड में, नो डाउट ये एक अच्छा कैरेक्टर है जिसका डिसेंट एबिलिटी है, जो कि आई थिंक अच्छा है उसके हिसाब से। बट जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे, इतना भी ये पावरफुल नहीं है। आई होप मेरा ये मेहनत से बनाया हुआ वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। और हाँ, आज लास्ट में मैं ये नहीं बताऊंगा ये वाला वीडियो देख लो नहीं तो वो वाला वीडियो देख लो, क्योंकि आज आप लोग सीधा इंस्टाग्राम में फॉलो करने जाओगे। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का आईडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, फटाफट से जाकर फॉलो कर लो एंड मुझे मैसेज करो। और क्या